हाय फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। नवरत्न नमकीन, जिसे मिक्सचर भी कहा जाता है। आप जब भी मार्केट जाते हैं तो आपके लिस्ट में ज़रूर एक नमकीन का पैकेट होता है, तो क्यों ना इस नमकीन को आप घर पे बनाएं। तो इसके लिए चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। यहाँ पे एक कप कच्ची मूँगफली ली है मैंने, और एक कप ही पोहा लिया है, ये थिक पोहा है, और एक कप मखाने हैं, फूल मखाने, 1.5 कप बेसन है, ये फाइन बेसन लिया है मैंने, और 1 कप चने की दाल है। इसको ओवरनाइट मैंने भिगो के रखा था अच्छे से वॉश करके। 1 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डाल के, इसको पानी अच्छे से डाल के इसे भिगो के रख दिया था, और सुबह पानी इसका निथार के और इसको टिश्यू पेपर में फैला दिया था ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे 1 कप भी मैंने मसूर की दाल ली है, उसको भी सेम वही बेकिंग सोडे के साथ भिगो के रखा था, और उसको भी ड्राई कर लिया था। कुछ ड्राई स्पाइसेस लिए हैं मैंने, फ्राई करने के बाद ये सारे मसाले जाएंगे। तो उसमें 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर है, 1/2 चम्मच सिट्रिक एसिड है, इसको अच्छे से फाइन कर लें, ये दाने दाने होते हैं तो उनको अच्छे से पाउडर बना लें, और 1.5 चम्मच यहाँ पे काला नमक है, 1 चम्मच चाट मसाला, और 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। हींग आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, जितना आपको पसंद हो हींग का फ्लेवर। और फूड कलर है बिल्कुल ऑप्शनल है, ये बूंदी बनाने में हम यूज़ करेंगे, तो आपको अगर पसंद है तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। प्लेन सॉल्ट और कैनोला ऑयल, ये सारी चीज़ों से हम नमकीन अच्छे से बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम सेब बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए 1.5 कप जो बेसन था उसमें से 1 कप हम एक अलग बोल में डालेंगे, नमक डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे 1 चम्मच, और 1 टेबल स्पून हम उसमें ऑयल डालेंगे, और सबको अच्छे से मिक्स करके, और उसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के सेमी सॉफ्ट साइज का डो तैयार करके रख लेंगे। बहुत आराम से आप पानी डालें, बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो बहुत रनी रनी सा डो बनेगा। हमें बिल्कुल सेमी सॉफ्ट डो चाहिए। तो वो डो रेडी हो चुका है हमारा सेब बनाने का। अब बूंदी बनाने के लिए हम इसमें कलर डाल देते हैं, 1 से 1.5 पिंच के अराउंड कलर इसमें लगेगा, नमक लगेगा स्वाद के अनुसार, और 1/2 चम्मच के अराउंड यहाँ पे बेकिंग पाउडर मैंने डाला है, नमक ऑलरेडी डाल दिया था, और पानी थोड़ा सा डाल के इसे अच्छे से विस्क कर लें, विस्कर से, कहीं से भी लंप नहीं रहने चाहिए इसमें, बिल्कुल पोडिंग कंसिस्टेंसी वाला इसका बैटर बनेगा, पकौड़ों के बैटर जैसा। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आप देख लें जैसा भी आपको कंसिस्टेंसी इसकी ठीक लगे, ताकि अच्छे अच्छे से गोल गोल बूंदियाँ बने। तो ये भी हमारे रेडी है, इनको हम रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। अभी ये सेब मेकर में डो अब लगभग रेस्ट हो चुका है 10 मिनट के करीब, तो उसमें हम फिल करके रख देते हैं। ये सेब मेकर है, इसमें हम फिल करके रख लेंगे, और जितने देर बाकी में हम इतने देर में हम अपनी बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, सबसे पहले मूँगफली को फ्राई कर लेते हैं। 2 से 2.5 मिनट में मूँगफली फ्राई हो जाती है अच्छे से, मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करके निकालें टिश्यू पे, ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए इनका। इसके बाद हम इनमें मसूर की दाल जो है वो डालेंगे, और बिल्कुल ध्यान से आप मसूर की दाल डालें, 1-1 मुट्ठी के करीब, और किसी चम्मच से डालें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उछलता है, तो बहुत सावधानी से इसे फ्राई करें, कम कम ही डालें। तो 2 से 3 बैच में आपकी मसूर की दाल फ्राई होकर निकल जाएंगी अच्छे से, तो उनको सबको निकाल लें फ्राई करके। और ये चने की दाल जो है आप एक साथ भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये ज़्यादा नहीं उछलता है, बस इसमें फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, 5 से 6 मिनट आपको मीडियम फ्लेम पे, जब डालें तब हाई फ्लेम रखें, और उसके बाद आप मीडियम फ्लेम कर दें 1 से 1.5 मिनट के बाद, और इसको अच्छे से 5 से 6 मिनट में आप ये अच्छे से फ्राई कर लें क्रिस्पी होने तक, और फिर इनको निकाल लें, और फिर से टिश्यू पेपर पे आप कोई बड़ा सा बर्तन ज़रूर रखें साइड में, ताकि सारी चीज़ें आप फ्राई कर करके रखते जाएं। पोहा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, पोहे भी डालें, और तुरंत के तुरंत इनको निकालना होगा। तो अब बूंदी बनाने की तैयारी हम बाद में कर लेते हैं, पहले सेब बना लेते हैं। तो सेब जो पहले हम 1 लॉट जो है हम मोटी वाली सेब बनाएंगे, जो थिक वाली सेब होती है वो बनाएंगे, और उसके बाद 1 लॉट हम पतली वाली बनाएंगे, फाइन सेब जो है। तो ये देखिए, इनको मीडियम फ्लेम पे आपको अच्छे से फ्राई करना है, बहुत ही कुरकुरी और खस्ता सी बनके ये नमकीन तैयार होती है। तो ये बिल्कुल, ये देखिए अभी तैयार हो चुका है, उनको निकाल लें। अब ये फाइन वाले जो है मोल्ड मैंने चेंज कर दिया था, तो ये वाले आप फाइन वाले बना के इनको भी मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके निकाल लें आप। और सबसे आखिरी में हम बूंदी फ्राई करेंगे,
तो बूंदी के लिए आप ये एक स्पैचुला लें, ये सबके घर में अवेलेबल होता ही है। बहुत आसानी से इसे बूंदी बन जाती है, बिल्कुल गोल गोल मोतियों जैसी बूंदी बन के तैयार होंगी इनकी। तो बूंदियों को अब मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक के लिए आपको फ्राई करना होगा, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक। अब दबा के देख लें निकालने से पहले, जब तक क्रंच ना आए अच्छे से, आप इनको फ्राई बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर करें। और मखाने लास्ट में हम किसी पैन में करेंगे, क्योंकि मखाना बहुत ज़्यादा ऑयल पी लेता है, तो इसलिए इसको बहुत कम ऑयल में इसको रोस्ट कर लें। तो देखिए सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं, इसको क्रश कर लेते हैं अच्छे से। हमने जो सेब बनाए हैं इनको अच्छे से क्रश कर लें। अब हम बाकी की चीज़ों पे ना सारे मसाले और नमक स्प्रिंकल करेंगे। तो सबसे पहले जिन चीज़ों में नमक नहीं है उनके ऊपर हम मसालों में हींग ऐड कर लेंगे, और सारे मसालों को और नमक को और हींग को अच्छे से इस पर हम स्प्रिंकल करेंगे। अब हम मिक्स हो चुके हैं, तो अब लास्ट में बूंदी और सेब मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नमकीन बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल चटपटी करारी खस्ता सी हमारी नमकीन रेडी है। आप इनको स्टोर करके 1 मंथ तक रख सकते हैं, आप इन्जॉय कर सकते हैं इसको चाय के साथ, बहुत ही यम्मी लगता है। आप बिल्कुल भी आप मार्केट से नहीं खरीदने जाएंगे इसे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी इस रेसिपी को। और फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।